हेलो दोस्तों, मैं रोहन आपका आज इस यूट्यूब के वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम सत्यमेव जयते फिल्म का रिव्यू ले रहे हैं कि फिल्म है कैसी। दोस्तों ये फिल्म मैंने पर्सनली थिएटर में जाके भी देखी है। 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म है, एक्शन क्राइम थ्रिलर है और ये जो आप स्क्रीन पर रेटिंग देख पा रहे हो 6.7 स्टार है। 1590 लोगों ने कॉमेंट किया है 10 में से। और दोस्तों 15 अगस्त 2018 को ये रिलीज़ की गई। और दोस्तों ये फिल्म बहुत ही अच्छी है, सस्पेंस थ्रिलर भी है, इसमें थोड़ा सा ड्रामा भी है और थोड़ा इंटेंस एक्शन भी है। इसमें दोस्तों स्टार कास्ट जो है वो जॉन अब्राहम है, मनोज बाजपेयी है, आयशा शर्मा है और डायरेक्टर मिलाप झवेरी है, राइटर मिलाप झवेरी है। तो दोस्तों फिल्म के बारे में बताओ तो जॉन अब्राहम ने काफ़ी बहुत अच्छी तगड़ी मेहनत की है। उनकी बॉडी या उनका जो फिजिकल फिटनेस है वो भी देखने लायक है। उनकी एक्टिंग स्पेशली जब वो रोते हैं या जो इमोशनल है वो भी बहुत अच्छा किया है उन्होंने इस फिल्म में। और मनोज बाजपेयी तो ऑब्वियसली एवरग्रीन एक्टर है दोस्तों। सिर्फ इसमें जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वो है आयशा शर्मा, जो कि काफ़ी क्यूट और नई एक्ट्रेस है जिन्होंने टेलीविज़न में काम किया है। अभी मैं आपको कर्सर नीचे लेके जा रहा हूँ। आपको अगर कोई भी फिल्म का रिव्यू करना है तो आप IMDb रेटिंग देख के ही जा सकते हैं। दोस्तों अभी मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। दोस्तों इसमें जॉन अब्राहम का जो कैरेक्टर है वो वीरेंद्र राठौड़ वीर करके है, मनोज बाजपेयी का जो कैरेक्टर है वो DCP शिवांश राठौड़ का है, आयशा शर्मा शिखा है और अमृता खानविलकर सरिता है जिन्होंने मनोज बाजपेयी के वाइफ का रोल किया है। दोस्तों इसमें नोरा फतेही जो है वो डांसिंग कर रही है, डांस में जो सॉन्ग काफ़ी पॉपुलर या हिट हो रहा है अभी दिलबर दिलबर, जिसमें वो थोड़ा एक बेली टाइप डांस करती है जिस जो कि फिल्म को हिट करती है। दोस्तों अभी हम देखेंगे कि इसमें मतलब फिल्म का कलेक्शन क्या हुआ बॉक्स ऑफिस पे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों दोस्तों पेट्रोटिज्म या जो पुलिस वाले लोग होते हैं उनका करप्शन, उनका स्टाइल, ये सभी इस फिल्म में डेपिक किया गया है। और ये फिल्म आप एक बार थिएटर में जाके ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन इसका कंपैरिजन गोल्ड फिल्म से करते हैं तो इसका स्टार रेटिंग जो है काफ़ी कम आया है, 6.7 स्टार है और गोल्ड को 8.6 स्टार है दोस्तों। बट हमारे जो लोकल न्यूज़पेपर आते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह, ये इस फिल्म को 3.5 स्टार या 3 स्टार दे रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इसमें एक्शन है, क्राइम है, थ्रिलर है, थोड़ा सा जैसे ये होता है ट्विस्ट एंड टर्न वो भी फिल्म में दिया हुआ है। और स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँ तो डायलॉग्स काफ़ी अच्छे हैं और जॉन अब्राहम ने जो फिज़िक्स उसमें मेहनत की है बॉडी पे वो भी बहुत देखने लायक है दोस्तों। बाकी गाना जो सबसे ज़्यादा 2 हिट हुए हैं वो पानियोसा और दिलबर, ये बहुत ही देखने लायक गाने हैं दोस्तों। और काफ़ी अच्छी कोरियोग्राफी और डायरेक्शन है इसमें दोस्तों। और जॉन का परमाणु के बाद ये सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर मूवी होगा दोस्तों। और आप यहाँ पे देख पा रहे दोस्तों टॉप रेटिंग में है ये जो फिल्म्स है इसमें पूरा आएगा अगर आप IMDb के साइट पे जाते हो तो। और दोस्तों सत्यमेव जयते जो वर्ड है वो इंडियन जो पुलिस होते हैं वो शपथ ग्रहण करते हैं तो उसमें मोस्टली यूज़ किया जाता है। हमारी जो टेक्स्ट बुक्स आती है जिसमें हम पढ़ते थे 5th या 7th स्टैंडर्ड में, तो सत्यमेव जयते ये वर्ड काफ़ी बार हम सुनते हैं।
या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें भी सत्यमेव जयते काफ़ी उसका हाईलाइट किया गया है दोस्तों। मतलब जैसे पुलिस लोग शपथ लेते हैं तो उसमें रहता है ना कि हम जो भी कहेंगे सच कहेंगे, फ़र्ज़ है हमारा जो हम रक्षा करेंगे, उस टाइप का इसमें काफ़ी मतलब इसको बोल्ड अवतार में आपको दिखाया गया है थिएटर में। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप ये फिल्म एक बार ज़रूर देखिए, काफ़ी मतलब इसको व्यूज़ ओपिनियंस अच्छे मिले हैं। और कई दिनों से इसका गाना टीवी पे दिखा रहा था, दिल भर काफ़ी हिट हुआ ये। और मतलब इसमें जो है दोस्तों मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि जॉन अब्राहम ने जो मेहनत की है, जो उसने कैरेक्टर प्ले किया है वो काफ़ी इंटेंस और थ्रिलर था, वो उसने बहुत अच्छे तरीके से निभाया। और ऑफ कोर्स जो पुलिस ऑफिसर है या पुलिस लोगों का जो काम करने का स्टाइल होता है, जैसे कुछ पुलिस ऑफिसर करप्ट होते हैं, कुछ स्ट्रिक्ट होते हैं, ये भी उसमें दिखाया गया है। और बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग्स, वो भी काफ़ी अच्छे थे दोस्तों। क्रिटिक्स रेटिंग भी काफ़ी अच्छा है इसका, और ये मैक्सिमम थिएटर में ये फिल्म रिलीज़ हो चुकी है दोस्तों। सो मेरा आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए दोस्तों थैंक यू। आप ये वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि मैं आने वाले समय में और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। सो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, हैप्पी हॉलीडे दोस्तों।